रूम चेंज करने का रीजन क्या है मैं अभी आपको आगे ही बताऊंगी। तो ये है वो रूम जहां हम शिफ्ट होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी सुबह का टाइम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं हमेशा सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ वीडियो बनाना, तो मैं यही बोलती थी कि तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, लेकिन अभी सुबह का टाइम नहीं हो रहा है तो शाम का टाइम हो रहा है। शाम बोले तो पूरा शाम भी नहीं हुआ है, पूरा दिन भी नहीं है, मतलब ये काम वाम करके खाना वाना खा के अभी मैं फ्री हुई हूँ और मेरे हस्बैंड चले गए हैं वापस अपने जो रोज का लगा हुआ है वहीं। फिलहाल नई बात ये है कि हम लोग रूम चेंज कर रहे हैं यहाँ से, तो नई चीज़ भी है, मतलब मेरे लिए बहुत सिरदर्दी वाला काम भी है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब ऐसे ही हम रूम चेंज नहीं करते क्योंकि हमने इतने टाइम यहाँ पे निकाल दिया है, 2-2.5 साल हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो हम एडजस्ट कर ही रहे थे। हमने दूसरे रूम के लिए परमिशन मांगा था तो वहाँ से मिल गया है। तो अभी वैसे तो हम 2-2.5 साल से ही बोल रहे हैं कि हमें रूम चेंज करना है, रूम चेंज करना है। जब मैं बीमार हुई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे भी हमने बोला था कि रूम चेंज करना है हमें, बट उस टाइम पे यहाँ पे क्या था कि उनका भी मजबूरी है, उस टाइम पे यहाँ पे रूम खाली नहीं था इसलिए हमें नहीं मिल पाया था उस टाइम। फिर उसके बाद भी एक टाइम आया था जब हमने बोला था हमें रूम चाहिए दूसरा, फिर वहाँ पे कोई और आ गए थे, तो इस वजह से हमें नहीं मिल पाया था। अभी क्या है कि यहाँ पे रूम कुछ खाली है तो वहाँ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे ये सेकंड फ्लोर में है लेकिन हमें फर्स्ट फ्लोर में चाहिए था। रूम चेंज करने का रीजन क्या है मैं अभी आपको आगे ही बताऊंगी। जहाँ पे हमें शिफ्ट करना है वहाँ पे भी हमें साफ सफाई करनी होगी, लेकिन मैं अभी अकेले हूं तो साफ सफाई करने में थोड़ा हेल्प तो चाहिए होता है। अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो पीछे से पानी डालने के लिए तो एक ना एक चाहिए होता है कोई। शाम को देखते हैं अगर मेरे हस्बैंड आए तो रात के टाइम हम खाना खाने के बाद उसकी साफ सफाई करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ का जो एक्स्ट्रा हमारे बर्तन है, सामान है, उसको पैक करती हूँ और साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग रूम चेंज क्यों कर रहे हैं। आगे बताती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल काम भी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में आपके साथ बातें करते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और अपना सारा सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया है मैंने धीरे धीरे करके। कुछ सामान मेरे किचन में एक्स्ट्रा है, मतलब जो हमें जरूरत नहीं होती है जिनकी, तो मैं उनको हमेशा के लिए ही पैक करके रख रही हूँ ताकि किचन में इतना ज्यादा सामान ना हो और वो ऐसे बिखरा बिखरा ना लगे, क्योंकि यहाँ पे किचन भी छोटे ही है तो ज्यादा बर्तन होने की वजह से पूरा किचन भरा पड़ा रहता है। मैंने थोड़े बहुत बर्तन पैक कर दिए, ज्यादा नहीं, और वो बर्तन ढूंढते ढूंढते भी मुझे बहुत टाइम लग गया। और अभी शाम का टाइम है तो हमने ना आज क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड दिन भर घर में नहीं थे तो सुबह ही सुबह के टाइम वो खा के चले गए थे, तो हमने साथ में खाना खाया था। शायद सुबह 10 बजे के आसपास आए थे तो उस टाइम खाना खाकर वो चले गए तुरंत ही, तो दिन में हम लोगों ने आज खाना नहीं खाया, तो जो सुबह बनाया था वही हमारा बचा हुआ था। तो अभी ऐसा हो रहा है कि भूख हो रही है और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं मुझे भूख हो रही है, तो अभी जो दिन का खाना बचा हुआ है फिर हम लोगों ने ये भी सोचा, क्योंकि मैंने आपको बताया हमने साफ सफाई करने जाना है जिस रूम में हम शिफ्ट होंगे, तो हमने सोचा अभी ये खाना खा लेंगे उसके बाद ये चले जाएंगे, मैं भी उसके बाद एक तरफा ही काम पे लग जाऊंगी, मतलब साफ सफाई पे लग जाऊंगी, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा हम लोग काम करेंगे फिर खाना बनाने, खाना गर्म करने, खाना खाएंगे, फिर उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग खाना खा के और एक तरफा ही साफ सफाई करने लग जाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे नीचे। तो अभी फटाफट से किचन में जाके खाना गर्म कर लेती हूँ जो बचा हुआ है। खाना रेडी हो चुका है, मतलब खाने के लिए मैंने सर्व कर दिया है और ये भी आ चुके हैं। आज इनका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इनको, तो जल्दी में है ये, थोड़ा भी इनको जाना भी होता है। क्या हो गया इतना उदास, अच्छे नहीं लग रहे यार? तबीयत ठीक नहीं है। दवाई क्यों नहीं लेने गए फिर? दवाई ले लेते। दवाई कितना खाना है, जिंदगी दवाई में चले गए। ओहो, आपको तो दवाई खाना भी नहीं पड़ता, नौटंकी मत करो ज्यादा, ठीक है ना? जिंदगी मेरे जैसा खाना पड़ता ना दवाई, फिर क्या ही बोलते। चलो खाना खाते, मुझे तो जबरदस्ती करता जब मैं दवाई नहीं खाती हूँ। एक दो बार बीमार होता हूँ पर खतरनाक वाला होता है। हाँ, फिर इनका ऐसा है ना, कभी ये पिछले साल बीमार हुए थे और इस साल फिर इनको फिर बुखार जैसा इनका ना अंदर, मतलब इनको ना वो हड्डी वाला बुखार आता है ना जो अंदर, वो वाला बुखार आता है फिर इनको, बहुत डेंजर वाला। तो फटाफट से खाना खाते हैं। हम लोग खाना खा ही रहे थे और लाइट भाग गई और बाहर इतना भयंकर डरावना मौसम हो रहा है ना, ये देखो इतना डेंजर तूफान आ रहा है, तूफान। तो यहाँ पे लाइट भी भाग गई, ये मेरा चार्जिंग बल्ब है, पता नहीं कब तक चलेगा, नहीं पता, बंद हो जाएगा अभी। तो अभी मैं सोच रही हूँ नीचे जाके एक बार देख लेती हूँ क्या हाल है, अभी रेत पूरा उड़ के अंदर आ गया होगा बाहर नीचे वाले रूम में भी। मैं प्रवेश कर चुकी हूँ उस रूम के अंदर जहाँ हमें शिफ्ट होना है। तो ये है वो रूम जहाँ हम शिफ्ट होंगे, इधर अलमारी है, सेम ही है, ये है किचन और इधर है हमारा बेडरूम। तो ये देखो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था ये सब यहीं का होता है, जो हमारा ऊपर वाले उसमें है वो वहीं रहेगा, यहाँ आएंगे यहाँ के लिए ये है, ये बेड भी यहीं होता है, ये सब इधर ही रहते हैं।
तो मैं इसलिए अभी करना सोच रही हूँ, क्योंकि अभी साफ करके रख देंगे तो कल इजी हो जाएगा सामान रखने के लिए। तो काम शुरू करते करते लाइट भी आ गई है, थैंक गॉड, वरना मैं सोच रही थी फ्लैश लाइट ऑन करके तो काम किया जाए, लेकिन लाइट आ गई है तो मैं फटाफट से साफ़ सफाई कर लेती हूँ ये जितना भी है धूल मिट्टी। मतलब इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं है क्योंकि दीदी लोग साफ़ कर कर ही गए थे, लेकिन उन्हें गए हुए 3 दिन हो चुके हैं तो आप लोगों को पता ही है हवा चलने का सीज़न है, तो हवा से एकदम धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। और बेडरूम का मेरा हो गया है तो अभी मैं आई हूँ सिटिंग रूम में, जो बाहर वाला रूम है। अभी फ़िलहाल मैं अकेले बिल्कुल लगन के साथ लगी हुई हूँ साफ़ सफाई करने। और ये है हमारा छोटा सा हॉल, और यहाँ पे जितने भी रूम है सब सेम ही है। और खिड़की और दरवाजे धोना सबसे ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा धूल इसी में जमती है। तो साफ़ सफाई करके मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैं पूरी भीग गई हूँ क्योंकि पानी से धोया था मैंने पूरा रूम। तो अभी चेंज कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, कल हम आगे का काम करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आज है दूसरा दिन और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ मेन रीज़न हमारे रूम चेंज करने का क्या है, कि हमारे जो बाथरूम में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब से हम यहाँ आए हैं थोड़ा बहुत आता था, तो मैं काम चला लेती थी, बाल्टी भर के कपड़े धो लेती थी, बहुत टाइम लग जाता था कपड़े धोने में। तो हमने 3 बार उसको बनवाया भी था, लेकिन वो लोग जो बनाते हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आपको पूरा बनवाना है तो ये दीवार तोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें बीच में कुछ फंसा हुआ है। पानी आना बिल्कुल ही बंद हो गया था, तो मैं किचन से बाल्टी में भर कर बाथरूम में लेकर कपड़े धो रही थी 2-3 हफ्ते से। तो ऐसे ही काम चल रहा था, फिर जब रूम खाली था तो हमने सोचा हम क्यों ना चेंज ही कर लेते हैं। अभी हो रहा है नाश्ता करने का टाइम, तो मैं आ गई हूँ वापस रूम में क्योंकि मैं सुबह उठ के काम पे लग गई थी। ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है फ्राई राइस और एग। तो अभी जल्दी से इसको खा लेते हैं, उसके बाद फिर से काम स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं साफ कर रही हूँ यहाँ की अलमारी जो कपड़े रखने के काम आती है, तो इसमें थोड़ा सा धूल जमा हुआ था तो मैंने इसको साफ कर लिया है। और जो सामान मुझसे उठाया जा सकता है वो मैं धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ वापस अपने रूम में, जो ये कपड़े हैं अलमारी में सब मैं पैक कर रही हूँ। और अब ये नीचे फ्लोर ऊपर फ्लोर लगा रहेगा 2-3 दिन, क्योंकि जब तक सारा सामान शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक कभी कहीं चलते रहना पड़ेगा मुझे। तो अब आ गई है मेरे बक्से की बारी, जो इतना बड़ा है। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इसी की है कि इसको लेके कैसे जाएंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बिल्कुल तंग है, जगह बहुत कम है। तो जब इसको ऊपर चढ़ाया था हम लोगों ने, उस टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम तो जबकि खाली था ये, अभी तो इसमें इतना कुछ भर गया है तो कैसे जाएगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कपड़े रखते रखते ये बक्से का ढक्कन मेरे ऊपर इतना जोर से गिरा और इतना भयंकर चोट लगा मुझे, तो इतना भारी है। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा, मतलब इतना नहीं दिखाया उसमें क्योंकि ये मैंने फास्ट वाला वीडियो बना रही थी तो इतना पता नहीं चला। जब मैं इसमें कपड़े रख रही थी तो ना ये ऊपर से बक्से का ढक्कन गिर गया मेरे ऊपर, और अच्छा हुआ सिर में नहीं गिरा। और ये इतना बड़ा है, इतना भारी है ना, इसका मुझे इसमें चोट आ गई, इतना भयंकर लाल हो गया है पूरा। मैं दिखाती हूँ, ये देखो गाइस दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर से जैसे ही बक्से का ढक्कन गिरा मैंने यहाँ पे इस हाथ से यूं किया और पूरा निशान बैठ गया इसमें 2 जगह, एक नीचे और एक यहाँ पे, और इस हाथ में ये छिल गया यहाँ से थोड़ा सा। अभी भी मेरा आधा काम वैसे ही पड़ा है, अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, तो अभी फटाफट मुझे कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बीच बीच में बना रही हूँ मैं, तो इतना दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करते करते। इतना वीडियो बनाऊँगी तो पता नहीं 2 दिन में भी ख़त्म नहीं होगा ये वीडियो भी। तो अभी फटाफट से काम करती हूँ, उसके बाद खाना बनाना है दिन का। तो मैं वापस आ गई हूँ उसी रूम में जहाँ हमें शिफ्ट होना है, तो मैं ये सारे कपड़े गट्ठर बना के लाई हूँ क्योंकि ये लपेटे हुए कपड़े हैं, तो अगर ऐसे हाथ में लाते तो ये खुल जाता, या बैग में भी डालते तो थोड़ा हिल डुल जाता है, ऐसे गट्ठर बना के हिलता नहीं है। तो मैंने ऐसे ही लपेटे हुए कपड़े ला के इसमें सेट करने को ईजी रहता है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से लाया है। और इधर बिखरा पड़ा है मेरा मेकअप का सामान सारा जितना भी है, तो इसे भी फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत मैं सेट कर देती हूँ। और ये है सिटिंग रूम वाली अलमारी जहाँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े सेट करके रख रही हूँ। और ये सामान जो आप इतना सारा देख रहे हो, तो दिन के टाइम में मेरे हस्बैंड आए थे थोड़ी देर के लिए, मतलब खाना खाने, तो वो सारा सामान ये जितना ज़्यादा है ये वो शिफ्ट करके चले गए हैं, तो सेट तो मुझे खुद ही करना है ये सारा। और अब मैं आ गई हूँ वापस अपने बेडरूम में, और मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। फिर मैंने सोचा एक बार बेड को सही तरीके से लगा देते हैं, अगर ये सही हो जाएगा तो फिर बाकी का और देखते रहेंगे आराम आराम से। और जो ये बेड है इसके आगे वाले 2 स्टैंड में, मतलब लोहे का कुछ कुंडा बना हुआ है, वो शायद मॉस्किटो नेट लगाने के लिए है, तो वो दीवार पे अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको घुमा घुमा के सेट कर दिया है। और इतना भारी अकेले से हो ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया। अब मैं वापस आ गई हूँ इधर वाले रूम में, अब ये लगा हुआ है मेरा इधर उधर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो अभी फिलहाल मैं अपने मशीन को साफ कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैं थोड़ा बहुत स्टिचिंग करती हूँ, तो उसके लिए मैंने मशीन लिया था, तो इसमें थोड़ा सा धूल जम गया है, तो इसको साफ करके मैं फिक्स कर देती हूँ क्योंकि इसको अलग अलग निकाल
निकाल के रखा हुआ है हमने। और अभी इधर मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये बॉक्स जो है ये सब खाली है या किसी के अंदर कुछ है, क्योंकि ये जितने भी बॉक्स है कोई हमने सामान लिया था उनका है, कोई जो हमें गिफ्ट में मिला है, तो इसको अच्छे से पैक करके मैं रख देती हूँ ताकि जब हम जाएँ तो सामान पैक करने के काम आ जाए वापस। तो मैं सामान सेट कर ही रही थी तब तक मेरे हस्बैंड आए और वो मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए थे और वो तुरंत आकर छोड़कर भी चले गए हैं, क्योंकि उनका बोलना ये है कि तुम सिर्फ काम करते रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, तो स्पेशल वो लेकर आए थे ताकि मेरा दिमाग थोड़ा कूल डाउन हो जाए। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में थोड़ा बहुत काम निपटा कर, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत ख़राब कर मेरा ये वाला पूरा कंधा फिर से दर्द कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिलहाल खाना भी वैसे थोड़ा सा दिन का बचा हुआ था हमारा, बट उसको गर्म करना था तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, और चावल बनाना था, दाल बची हुई थी तो चावल बनाना है, तो वो अभी किचन में गए। लेट बहुत हो चुका है, बहुत टाइम हो गया है क्योंकि मैं नीचे बिजी रही, और अचानक से जब मैं रूम में आई तो मेरा हाथ दर्द होने लग गया, और फिर मैं ऐसे लेटे लेटे ही थी, तो तब तक वो आए, फिर वो चावल बना रहे, फिर हम लोग खाना खाएंगे, और खाना खाने के साथ साथ मेरी दवाई भी रेडी है और इधर सब फैला पड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ सामान शिफ्ट कर लिया है, कुछ यहीं बचे हुए हैं, तो अभी कुछ हमने सिटिंग रूम से नहीं उठाया है, बेडरूम से भी हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है, किचन में तो वैसा ही है सब, अभी बेडरूम का लिया है सामान और गद्दे वगैरह वही है सब, तो इधर का तो अभी ये सब इधर सब वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको इग्नोर कर देना, शिफ्टिंग में यही हो जाता है पूरा कचरा। तो अभी देखती हूँ क्या होता है, अगर मेरे काम करने का बस कर रहा तो मैं फिर से जाऊंगी नीचे, क्योंकि मैंने कपड़े धोकर भी सुखाए हैं तो उनको उठाना है, अभी सूख गए होंगे वो, कपड़े उठाने जाएंगे हम लोग। अगर मेरा तबीयत ठीक रहा, मतलब हाथ ठीक रहा तो क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे क्या देख रहे थे फिर? अरे मेरे हस्बैंड आए हैं वहाँ दरवाजे पे और ये ऐसे देख रहे, तो इससे क्या हुआ, क्योंकि मैं लेटी हुई थी ना तो अभी उठ के बात कर रही थी, तो ये सोच रहा अकेले में क्या बात कर रही है, तो ऐसे करके देख रहे बिना बोले। जब भी मेरे को ये दर्द होता है ना, मेरे को जब सांस लेती हूँ बोलती हूँ फिर भी मेरे को इस नस में दर्द होता है यार, पता नहीं क्या हो गया है। अभी देखते हैं खाना खाने के बाद, अगर मेरे काम करने का बस कर रहा, दवाई खाने के बाद थोड़ा असर हुआ तो हम फिर से ये काम स्टार्ट करेंगे, वैसे ये करने नहीं देंगे, मुझे बहुत गालियाँ पड़ती है मुझे जब मेरा तबीयत खराब होता है मैं काम करती हूँ, बट करना पड़ेगा यार, अभी दो दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, काम वैसे ही बिखरा पड़ा है, तीसरा दिन लग जाएगा, तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म रहता है तो फिर अपने को भी छुटकारा मिलता है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पसंद तो आप लोगों को यही आएगा, ये पूरा फैला हुआ घर संसार पूरा बिखरा पड़ा है, तो फिर भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना, और बाय बाय, टेक केयर गाइस। अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम नीचे गए थे जिस रूम में हम शिफ्ट होंगे, तो वहाँ पे हमने कपड़े, जो मैंने कपड़े सुखाए थे वो उठाए और बहुत काम किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ ठीक महसूस कर रहा है, तो मैंने इनको बोला खाना खाने के बाद हम तुरंत नीचे चले जाएंगे और काम पे लग जाएंगे, क्योंकि काम करके मैं थक भी जाऊंगी तो नींद अच्छे से आ जाएगी, और मुझे ऐसा लग रहा है हाथ बिजी होने की वजह से ना ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है, तो अभी वहाँ जाएंगे। और उससे पहले मैंने इससे पहले बोला था कि वीडियो ख़त्म करेंगे, लेकिन मैंने सोचा फिर से वीडियो बना दी, क्योंकि इतना टेस्टी टेस्टी खाना मेरे हस्बैंड ने बनाया है मेरे लिए। तो ये देखो गाइस, आज इस बक्से के ऊपर, हमारे टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ नहीं है, सॉरी, तो ये मेरे हस्बैंड ने बनाया इतना भयंकर पुलाव, क्या है पुलाव, पुलाव पुलाव बनाया है, वेज पुलाव। तो ये जो दो आप दिख, ये जो ए चीची क्या बोलती हो यार, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ। तो ये जो दो आपको दिख रहे हैं, दो जगह ये घी डाले मेरे हस्बैंड ने, वही घी जो हम घर से लाए थे, मतलब मम्मी ने बना के दिया था। मेरी बेबी या वाइफ बोलते ना इंग्लिश में, उसकी खूबसूरती का राज है देसी घी, ये देसी घी, मोटापे का राज है देसी घी, क्योंकि बचपन से ये घी दही खा के बड़े हुए हैं ना। ओए मुझे नंगे को मत दिखा। तो थैंक यू सो मच, वेलकम, आपने इतना अच्छा खाना बनाया, थैंक यू, खा के देखो, मैं तो खा रहा, देखने में अच्छा लग रहा है, तो पूरा मैं इनको नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी काम कर रहे थे ना, इसलिए इनको गर्मी हो रही थी, इनको बहुत ज्यादा गर्मी होती है। गाली मत देना, गाली तो वैसे भी नहीं देते, बट इग्नोर कर देना, मैं वो बोलना चाहती हूँ इसको, मेरे को हाँ मेरे को इग्नोर कर देना, आपने सिर्फ वो पहना है ना, तो क्या हो गया, ना खा लो, तो ऐसे फटाफट से खा लेते हैं, देखने में तो बहुत मस्त लग रहा है,
है टेस्टी। थैंक यू। आप भी थक के आते हो ना दिन भर, फिर भी खाना बनाना पड़ता है कभी कभी, क्या करे। ऐसे है भाई जिंदगी, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही काटना पड़ेगा जब तक। तो फटाफट खा के हम वापस चलेंगे उसी जगह जहाँ हमारा काम चल रहा है। अच्छा, खाओगे? नहीं खा लो। तो गाइस खाना खाते हैं।